अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल फाइन बेटा। आई एम डूइंग गुड इन योर लाइफ। ओके बेटा, कल हमने जो किया था माय डियर स्टूडेंट्स, हमने कल डिस्कस किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके गुड। उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्टफनेस लॉ और उसमें किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको पूछा जाएगा वो तक हमने डिस्कस किया। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम शॉर्टकट्स ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से आपको क्वेश्चन पूछा गया उसको कैसे आप शॉर्टकट में कर सकते हैं। And in fact, today we are going to discuss about the numericals of your Stefan's law. Uske shortcuts kaise aap beta kar sakte hain? In fact, along with the graphs, okay? So, aur aaj ka jo hamara important aur ek topic rahega, that's your types of your expansions. ठीक है, उसमें हम लीनियर डिस्कस करने वाले हैं, हम उसमें डिस्कस करने वाले सुपरफिशियल, ठीक है बेटा। एंड इन फैक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्यूबिकल एक्सपेंशन। ओके, चलो आप बेटा डिस्कस कर लेंगे न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ योर न्यूटन्स लॉ, न्यूमेरिकल पार्ट। ओके, जरा कल का आप लेक्चर याद कीजिए, लेक्चर नंबर वन, उसमें हमने डिस्कस किया एज पर द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। व्हेन एवर यू आर अबाउट डिस्कसिंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, पॉइंट नंबर वन जो आपको याद रखना है मेरा डियर, आपको जो हमेशा याद रखना है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अगर कोई भी बॉडी का आप रेट ऑफ हीट लॉस निकालते हो, दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। सो आई कैन राइट माई डियर स्टूडेंट, कोई भी बॉडी है वो हीट लॉस कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, वो कूल हो रही है, अगर आपको उसको निकालना पड़ेगा कितना रेट ऑफ हीट लॉस है, सो दैट्स ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। कल हमने जो इक्वेशन निकाला था, सो ऑलवेज रिमेंबर डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू के टाइम्स टी माइनस टी नॉट। मतलब कोई भी बॉडी है वो अपना हीट को लॉस कर रहा है विद द सराउंडिंग्स, दैट्स ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। वेयर यूर टी इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड यूजुअली वी आर टेकिंग इट द एवरेज, एंड माय डियर स्टूडेंट्स यूर टी नॉट दैट्स यूर रूम टेम्परेचर, एंड आई कैन से द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गुड, वन मोर थिंग, कल आपने जो इसमें किया था इसका शॉर्टकट भी आप यहां पर भी कर सकते थे। हमने कल लिखा था सर, रेट ऑफ हीट लॉस विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, यही बोला आपने कल सर। कोई भी बॉडी है अगर वो रेट ऑफ हीट लॉस कर रहा है टू द सराउंडिंग्स, दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। सर डी क्यों, मतलब बेटा एक चीज आप याद था, याद रखेंगे आज, कोई भी बॉडी जो है याद रखिएगा, अगर वो हीट लॉस कर रहा है, मींस वो इन द फॉर्म ऑफ थर्मल रेडिएशंस लॉस कर रहा है, इमिट कर रहा है थर्मल रेडिएशंस, मींस सर बॉडी का जो टेम्परेचर है डियर वो डिक्रीज होता है। कोई भी बॉडी है जो थर्मल रेडिएशंस इमिट कर रहा है, सो उसका जो टेम्परेचर है दैट्स गोइंग टू बी डिक्रीज, और जो कोई बॉडी है जो थर्मल रेडिएशंस एब्जॉर्ब करती है उसका जो याद रखेगा टेम्परेचर दैट्स गोइंग टू बी इंक्रीज। सो द बॉडी विच इज गोइंग टू इमिट द थर्मल रेडिएशंस मींस डिक्रीज द वैल्यू ऑफ हीट, उसका जो टेम्परेचर दैट्स गोइंग टू बी डिक्रीज, एंड द बॉडी विच इज गोइंग टू एब्जॉर्ब द थर्मल रेडिएशन ऑलवेज रिमेंबर उसका जो टेम्परेचर वो इंक्रीज हो। यहां पर एक चीज बता सकते हैं, कोई भी बॉडी है, पहले एक बात याद रखिएगा आप, कोई भी बॉडी है अगर उसका इमिशन ज्यादा है, पावर ऑफ इमिशन वो ज्यादा इमिट कर रहा है, पावर ऑफ इमिशन ज्यादा है मगर एब्जॉर्ब कम कर रहा है, थर्मल रेडिएशन ज्यादा इमिट हो रही है एंड पावर ऑफ जो एब्जॉर्बेंस है एब्जॉर्ब करने का वो कम है, मतलब कोई बॉडी है उसका जो पावर ऑफ इमिशन है वो इमिट ज्यादा कर रही है, पावर ऑफ इमिशन ज्यादा है देन द पावर ऑफ एब्जॉर्बेंस, उन बॉडीज का जो टेम्परेचर है इमिट ज्यादा कर रहे हैं एब्जॉर्ब कम कर रहे हैं, उन बॉडीज का जो टेम्परेचर है दैट्स ऑलवेज गोइंग टू डिक्रीज, मींस इन बॉडीज का टेम्परेचर है वो फॉल कर रहा है, और जो बॉडीज इमिट कम कर रहे हैं मगर एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहे हैं, दे अलाउ टू इमिट वेरी मच लेस, जो इनका पावर ऑफ इमिशन वो कम होगा रादर देन बेटा पावर ऑफ एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस इनका ज्यादा है, पावर ऑफ इमिशन कम है, कम इमिट करते हैं मगर एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहे हैं, मीन्स पावर ऑफ इमिशन इज ग्रेटर देन पावर ऑफ एब्जॉर्बेंस इज ग्रेटर देन पावर ऑफ इमिशन, एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं इमिट कम करते हैं, मीन जब ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं कम खारिज कर रहे हैं कम इमिट कर रहे हैं तो उनका जो टेम्परेचर है दैट्स गोइंग टू उन बॉडीज का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये पॉइंट आप दो याद रखेंगे यहां पर। ओके चलो की गुड, नाउ अब बोर्ड पे ध्यान रखेंगे कल, तो कल की चीज में आप बेटा यहां पर भी आप ध्यान रख सकते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स यू कैन ऑल्सो फोकस ऑन दिस। So rate of heat loss of any body is always directly proportional to change in temperature.
एंड वी नो दैट कोई भी बॉडी अगर हीट लॉस कर लेगा, मैंने भी बोला कोई भी बॉडी अगर हीट लॉस करेगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, मींस देयर विल बी द चेंज इन टेम्परेचर, आई कैन से ओके। सो कोई भी बॉडी अगर हीट लॉस करे उस बॉडी का टेम्परेचर जो है दैट इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग, वो आपको डिक्रीज हो जाए, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बॉडी कूल हो रहे मींस टेम्परेचर फॉल कर रहा है। So, अगर टेम्परेचर फॉल कर रहा है मैं डी क्यू के बदले लिख सकता हूं देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, व्हाई बॉडी जो है इट इमिट रेडिएशन जो है इमिट कर रही है, अगर इमिट रेडिएशन कर रही है मींस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है, आई कैन से डी क्यू के बदले डी टी इज इक्वल बेटा डी टी इज इक्वल टू कैपिटल डी टी, ध्यान रखिए बेटा। अब यहां पर आप ध्यान रख सकते हैं और एक चीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी, और एक चीज आप यहां पर ध्यान रख सकते हैं इस dt by dt इज इक्वल दिस dt इज योर चेंज इन टेम्परेचर, किस किस का, बॉडी का एंड द सराउंडिंग्स का, बॉडी का टेम्परेचर हमने t माना, जो t नॉट है दैट सराउंडिंग्स मींस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t माइनस t नॉट, ओके रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी dt by small dt इज इक्वल टू k टाइम्स t माइनस t नॉट, दिस इज वन ऑफ शॉर्टकट फॉर यू How to remember the equation? आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी मैंने कल आपको निकाल के दिया था, दोनों चीज आप याद रख सकते हो। सो ये इक्वेशन आप याद बार बार करेंगे हम न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल। Always remember change in temperature divided by your time period is always equal to k times t minus t naught, where t naught t is your the average temperature of the body, जो हम usually average temperature लेते हैं, और जो t naught है that is my students you are remember. जो आपका T नॉट है वो आपका हमेशा याद रखे दैट्स योर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ओके गुड। सो एग्जामिनर क्या बोल रहा है, आपके पास एक बॉडी है, ध्यान रखिएगा आपके पास एक बॉडी है, ये जो बॉडी है माय स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो बॉडी है इसका जो टेम्परेचर है ध्यान रखिएगा, ये अपना जो टेम्परेचर है चेंज कर रहा है फ्रॉम 60 degree to 40 degree centigrade, ऐसा करने में जो आपके पास बॉडी है इसको जो टेम्परेचर लग रहा है ऐसा करने में 60 to 40 मीन्स बॉडी जो है अपना जो टेम्परेचर है चेंज कर रहा है बेटा, बॉडी कूल हो रही है, अपना टेम्परेचर जो है लूज कर रही है, देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर 60 to 40, इसको जो टाइम लग रहा है दैट्स इज टाइम पीरियड जो इसको लग रहा है दैट्स 2 minutes, और जो सराउंडिंग्स का जो टेम्परेचर रखा था टी नॉट या रूम टेम्परेचर दैट वॉज यूर 10 degree centigrade। एग्जामिनर बोल रहा है अगर यही बॉडी अपना टेम्परेचर जो चेंज करेगा फ्रॉम 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 19 डिग्री सेंटीग्रेड इसको टाइम पीरियड कितना लगेगा, कितना टाइम लगेगा, यही बॉडी है सेम रूम टेम्परेचर पे, ठीक है आपके पास कोई बॉडी है देयर इज अ बॉडी हु इज डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 60 टू 40 एंड द टाइम टेकन ऐसा चेंज करने में अपना टेम्परेचर को रिड्यूस करने में आपका हीट लॉस करने में आपको टाइम लग रहा है 2 minutes, और इसको जो रूम टेम्परेचर रखा गया सराउंडिंग्स में दैट्स योर 10 degree centigrade, और यही बॉडी अगर टेम्परेचर अब 21 टू 19 पे आएगी, 21 टू 19 अपना टेम्परेचर रिड्यूस कर रही है, सो इसको कितना टाइम लगेगा। मैंने आपको कल लॉन्ग कट दिखाया था, आज मैं इसको आपको शॉर्ट कट दिखाऊंगा, इसको आप कैसे शॉर्ट कट में कर लोगे बेटा, ध्यान रखिएगा बोर्ड की ओर फोकस माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। You know that according to Newton's law of cooling, dT by small dT is always k times t minus t naught. आप क्या कर सकते हैं? dT means change in temperature. तो पहले change in temperature निकाल. That is 60 to 40. मेरी change means 60 minus 40. That's your 20. Divided by dT is time period. That's your 2 minutes. Is equal to k times t minus t naught. And this t is, my dear students, remember, very important. This t is what? That's your always average temperature. What is the average between 60 to 40? 60 plus 40 divided by 2, average. And that is your 50, okay? 100 by 2, that's your 50. 50 minus, what is the room temperature? T naught, and that's your 10. Good. So it is going to be 2 tens are, and 10 is equal to k times 50 minus 10. That's your 40. So remember this equation 1. सबसे आसान तरीके से कर सकते आप दो इक्वेशन बना लो उनको कैंसिल कर लो यू विल गेट द आंसर यू डजंट हैव टू कल का जो हमने किया था दैट वाज अ लॉन्ग मेथड आप के का वैल्यू निकाल रहे फिर पुट कर रहे थे वहां से dt का वैल्यू आ रहा था हम आज वैसा नहीं करेंगे आज आ जाए इधर जरा इसमें बता दीजिए इस बॉडी में चेंज इन टेम्परेचर dt कितना आएगा बेटा चेंज इन टेम्परेचर 21 माइनस 19 दैट इज 2 डिग्री सेंटीग्रेड
आपको स्मॉल डीटी बोलना है, कितना टाइम लगेगा, रूम टेम्परेचर वही रखा गया, एग्जामिनर ने रूम टेम्परेचर चेंज नहीं किया बेटा, दैट्स 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जरा ये वैल्यूज पुट कर लो, आपके पास आएगा, जरा इसमें पुट कर लो, 2 डिवाइडेड बाय स्मॉल डीटी इज इक्वल बेटा के टाइम्स टी, टी इज द एवरेज, एवरेज टी वन एंड दिस इज टी टू, व्हाट इज एवरेज, टी वन प्लस टी टू डिवाइडेड बाय 2, 21 प्लस 19 डिवाइड बाई 2, दैट्स गोइंग टू बेटा व्हाट, 40, वो बेटा आपके पास 40 आएगा, 40 बाय 2, दैट्स योर 20। एवरेज, एवरेज इज ऑलवेज इक्वल बिटवीन टू टेम्परेचर्स, T1 प्लस T2 डिवाइड बाय 2, तो 21 प्लस 19 डिवाइड बाय 2, दैट्स गोइंग टू बी 20, सो 20 माइनस योर रूम टेम्परेचर, दैट्स 10, सो इट इज गोइंग टू बी 2 बाय स्मॉल dt इज इक्वल k टाइम्स ऑफ 10, 20 माइनस 10, दैट्स इज 10। सो इक्वेशन सेकंड, जरा इन दो इक्वेशंस को आप डिवाइड करो या कंपेयर कर लो, k के साथ मर गया, 0 कैंसिल, ओके बेटा, सो आपके पास क्या आएगा, जरा कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, इट इज गोइंग टू बी 21 जार 25 जार, इट इज गोइंग टू बी 5 dt इज इक्वल, जरा डिवाइड कर लो, 5 dt इज इक्वल योर 5 dt इज इक्वल 4 बाय 1, दैट्स 4 बेटा, सीधे डिवाइड कर लो, इस टर्म को इससे डिवाइड कर लो, ये dt ऊपर जाएगा तो dt 21 जार 25 जार, तो 5 dt तो 0 कैंसिल, 4 बाय 1 दैट इज 4, तो आपके पास dt आएगा 4 बाय 5 मिनट्स में, इसको सेकंड्स में करेंगे, मल्टीप्लाई 60, 5 1 जार एंड 5 12 जार 60, तो 12 4 जार दैट इज योर 36 सेकंड्स, दैट्स इट, बिल्कुल आसान, दिस इज शॉर्टकट यू कैन हैव, दैट इज द वेरी मच इजी बेटा, बिल्कुल आसान है, इसको आप शॉर्टकट में करें। अब देखो जरा यही आंसर हमें लॉन्ग कट में आता, आंसर क्या आना चाहिए, 36 सेकंड, जो हमने कल का किया, दिस इज शॉर्टकट, दोनों को इक्वेशन बना लो, कंपेयर कर लो, के साथ कैंसिल होगा, बाकी देखो क्या क्या कैंसिल होता, वहां से आपको डीटी आएगा जो मैंने किया। जरा इसी को कल के मैथड से करते, कल के मैथड से कैसे करते थे हम, जरा देखो इधर, कल के मैथड से हम इसको ऐसे सॉल्व करते थे, यही क्वेश्चन अगर कल के मेथड से होता जो हमने लॉन्ग किया था, हम ऐसे किया था कल, ध्यान रखे बेटा, इधर dt चेंज इन टेम्परेचर दैट इज 60 माइनस 40 दैट्स 20 डिवाइडेड बाय dt दैट इज टाइम पीरियड कितना लगा 2 मिनट्स डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू k टाइम्स t माइनस t नॉट, t इज द एवरेज, 60 प्लस 40 डिवाइड बाय 2, t1 प्लस t2 डिवाइड बाय 2 वो द एवरेज, 60 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 मींस एवरेज दैट्स योर 50 माइनस 10, 10 इज द रूम टेम्परेचर, तो आपको आएगा बेटा 10 is equal to 50 minus 10, that is 40k. 0 cancel and k is going to be 1 by 4 minute inverse. Okay, यही k का value डालना है उस वाले में equation में, जब उसकी equation बनाएंगे उसी में ये डालना है, that's it, very good. जरा इधर आ जाए, तो इसका dt बता दो, what is the change in temperature, 21 minus 19, that is 2, divided by dt निकालना है, कितना time लगेगा, k का value आपने निकाला बेटा, that's your 1 by 4. Into beta t minus t naught, t is the average temperature, t1 to t2, t1 plus t2 divided by 2, that's 21 plus 19 beta divided by 2, that is your 20, 40 by 2, that's 20, minus 10, room temperature 10 hai. So 2 by dt is equal to 1 by 4 into 20 minus 10, that's your 10, okay, 2 2s are 4, 2 5s are 10, zara cross kar le beta, 5 dt is equal to 4, dt is equal to 4 by 5, multiply by this in the minute inverse, क्योंकि आपको minutes में दिया था, इसको हम second में कर लेंगे बेटा, multiply by 60, 5 ones are, 5 12s are, 12 4s are 36 seconds, बेटा दोनों साइड से आप कर लो, दोनों का आंसर आपको सेम आएगा, वन इज इसमें आप के निकालते हो फिर सब शूट कर लो, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू विल हैव अ डायरेक्ट शॉर्टकट, अब डायरेक्ट शॉर्टकट जो मैंने इससे पहले दिखाया आपको, गुड, जरा बोर्ड के और फोकस अप, किसी को उतारना है वो उतार सकता है, ओके 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 ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड, आई एम गोइंग टू रब इट नाउ, Now we are going to focus on your, that's very important topic, that's your types of expansion. I'm thinking of it, thermal expansion and its types. Thermal expansion and its types.
ध्यान रखिएगा बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर बेटा इधर यहां पर फोकस कीजिए आप। आपके पास अगर कोई भी बेटा रॉड है, कोई भी आपके पास एक रॉड है, ध्यान रखिएगा यहां पर आपके पास कोई भी एक रॉड है, इस रॉड को क्या कर आप टेम्परेचर इंड्यूस कर रहे हो। यू आर गिविंग अ टेम्परेचर टू एनी रॉड, टू एनी बॉडी। आपके पास या बॉडी या कोई रॉड है, इस रॉड को आप क्या करें माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर एक्चुअली इंप्लाइंग अ टेम्परेचर, आप इसको इंड्यूस कर रहे हैं टेम्परेचर। कोई भी बॉडी है, अगर बेटा इस बॉडी को आप क्या कर रहे हैं, आप एक टेम्परेचर दे रहे हो। जब आप टेम्परेचर दे रहे हो, आप क्या देख रहे हो, बॉडी में जो इंड्यूस हो गया, याद रखेगा बॉडी में इंड्यूस हो गया थर्मल स्ट्रेस। रिमेंबर whenever you are implying a temperature to a body, always remember there is a induced, वहां पर जो development आएगा, that's what thermal stress is, okay? आप बेटा ध्यान रखिएगा यहां पर, board के focus। आपने जो ही बॉडी पे टेम्परेचर दिया, आपको बॉडी में क्या दिखा, देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ योर थर्मल स्ट्रेसेस, बॉडी में जो इंड्यूस हो गया थर्मल स्ट्रेसेस। अगर इन थर्मल स्ट्रेसेस से याद रखेगा, अगर इन थर्मल स्ट्रेसेस से क्या होगा, आपके पास जो बॉडी है, इन थर्मल स्ट्रेसेस से क्या है, आपके पास जो बॉडी है वो अपने डायमेंशंस को चेंज कर रही है। रिमेंबर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बॉडी में टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर के साथ क्या हुआ, बॉडी में थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस हुए। थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस से आपकी जो बॉडी के डायमेंशन है वो चेंज हो रहे हैं, मतलब बॉडी आपकी डिफॉर्म हो रही है। मींस आपके डायमेंशन चेंज हो रहे, मींस आई विल से दैट आपकी बॉडी डिफॉर्म होगी। सो ऑलवेज रिमेंबर थर्मल एक्सपेंशन क्या है, ऐसा कोई एक्सपेंशन आपने एक बॉडी में टेम्परेचर इंड्यूस किया, टेम्परेचर से बॉडी में थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस हुए, थर्मल इंड्यूस करने से, थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस से आपकी जो बॉडी के डायमेंशंस है वो चेंज हो रहे हैं, मींस आपकी बॉडी डिफॉर्म हो रही है। तो बेटा मैं ये बोलूंगा बॉडी में आपके पास थर्मल एक्सपेंशन आ गया। सो थर्मल एक्सपेंशन इज जस्ट नथिंग, व्हेन यू आर अप्लाइंग अ टेम्परेचर टू अ बॉडी, बॉडी क्या कर रही है, आपकी डायमेंशंस को चेंज कर रही है, बॉडी डिफॉर्म हो रही है। क्यों, बॉडी क्यों डिफॉर्म, देयर इज अ इंड्यूसमेंट ऑफ, देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, थर्मल स्ट्रेसेस। ये कैसे होते हैं, व्हेन यू आर अप्लाइंग अ टेम्परेचर, बॉडी जो है अपने डायमेंशंस को चेंज कर रही है। सो बेटा इसको हम बोलेंगे थर्मल एक्सपेंशन। ओके, अब थर्मल एक्सपेंशन जो मैं पहला टॉपिक टाइप है, दैट्स योर लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन क्या है, आपके पास बॉडी है कोई, इस बॉडी को आप जो ही टेम्परेचर दिया, आपने देखा जो ही टेम्परेचर दिया, देयर इज द इंड्यूसमेंट ऑफ योर थर्मल स्ट्रेसेस, आपकी बॉडी क्या है, ये डिफॉर्म हो रही है, मगर डिफॉर्म हो रही है इन द डायमेंशन ऑफ इट्स लेंथ। अगर आपके पास कोई भी बॉडी है, आप इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, उस टेम्परेचर देने के बाद बॉडी डिफॉर्म हो रही है, मीन्स ये अपने डायमेंशन को चेंज कर रही है। सर कौन सा डायमेंशन चेंज कर रहा है, लेंथ कर रहा है, एरिया कर रहा है, वॉल्यूम कर रहा है, कौन सा कर रहा है। अगर आपने बॉडी में टेम्परेचर दिया एंड द बॉडी इज गोइंग टू डिफॉर्म, एंड द बाय द डिफॉर्म मींस बॉडी अपने डायमेंशन चेंज कर रहा है, मगर जो बॉडी डायमेंशन चेंज करेगा दैट्स ओनली द लेंथ। इफ रिमेंबर लीनियर एक्सपेंशन मींस व्हेन एवर द बॉडी इज डिफॉर्मिंग, आपके पास डिफॉर्म हो रही बॉडी बाय द एम्प्लीकेशन ऑफ, बाय द एम्प्लीकेशन ऑफ योर टेम्परेचर, जो बॉडी को आप टेम्परेचर दे रहे हो और बॉडी अपनी जो डायमेंशन है चेंज कर रही है, कौन सी डायमेंशन चेंज कर रही है, लेंथ, एंड देन एवरी डे बॉडी में लीनियर एक्सपेंशन आ गया। ठीक है, सो लीनियर एक्सपेंशन में आप ये याद रखोगे बेटा, आपकी जो बॉडी की लेंथ है वो चेंज हो रही है। क्यों हो रही है, बॉडी को आप टेम्परेचर दे रहे हो, टेम्परेचर से बॉडी में जो बेटा इंड्यूस हो रहा है दैट्स योर थर्मल स्ट्रेसेस, और थर्मल स्ट्रेस की वजह से बॉडी आपकी डिफॉर्म हो रही है, डिफॉर्म अगर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ योर लेंथ, दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके गुड, अब मैं लिख सकता हूं बेटा, योर डेल्टा एल चेंज इन लेंथ ऑफ एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ तब आता है बॉडी में व्हेन एवर देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, this is equation first and this is your equation second, so change in length hai from the original length, and change in length tab aaya jab aapne change in temperature kiya, from equation first and second, delta l is directly proportional to l delta t, zara proportionality ko khatam karo aap, delta l is equal to proportionality khatam karenge iske pehle equal to sign I, to proportionality khatam se pehle constant aayega, us constant, this is a proportionality sign and this is a constant, constant jo laya maine alpha, to alpha delta t, so always remember
इन थर्मल सिट्रसेस, अगर आपके पास लीनियर एक्सपेंशन कभी भी कोई बॉडी है उसमें चेंज इन लेंथ निकालना है, कितना चेंज कर रहा है. व्हेन यू आर गिविंग अ टेंपरेचर बॉडी डिफॉर्म हो रही है, तो डेल्टा एल इज ऑलवेज अल्फा एल डेल्टा टी. एल मीन्स ओरिजिनल लेंथ एंड दिस अल्फा जो है इट इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनली नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. इस अल्फा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. और हर एक बॉडी का अपना अपना अल्फा है बेटा, अपना अपना थर्मल कोएफिशिएंट है, ठीक है. Thermal coefficient of expansion and delta T is change in temperature. You can also write this delta L is equal to alpha L delta T को आप बेटा T2 minus T1 लिख सकते हैं. You can also write this. Okay, good. Okay, alpha जो है that's the coefficient known as coefficient of thermal expansion. आप इसका ये भी बोल सकते हैं, जरा यहाँ से आप alpha देखो क्या आएगा. Alpha is equal to delta L divided by L delta T. This is your alpha, जिसको आप बेटा नाम दे सकते हैं thermal of coefficient expansion. मतलब क्या है, delta L mean L by L mean is change. जिस तरह आप citrate में करते थे change in length divided by original length, तो यहां पर delta L by L mean is change. कौन सा change? Fractional change. Sir, fractional change of a body by increase its temperature by 1 degree centigrade. या कोई भी body है आप उसमें fractional change देख रहे हो जब body में आप बेटा temperature बढ़ा रहे हो, that is your alpha. So alpha is just fractional change in the length of a body with increase in temperature of body. और body का temperature कर रहे हो, you are noticing the fractional change means body में actually strain आ रहा है. अब सिट्रेन का मतलब बॉडी अपनी डायमेंशन चेंज कर रहा है, मतलब बॉडी में थर्मल सिट्रेन आ रहा है, मतलब बॉडी डिफॉर्म हो रही है. ये चीज याद रखिएगा, डिफॉर्म का मतलब आप बॉडी में टेम्परेचर ला रहे हो, टेम्परेचर से थर्मल सिट्रेस आया, थर्मल सिट्रेस से बॉडी में थर्मल सिट्रेन इंड्यूस हुआ, मतलब बॉडी अपनी डायमेंशन चेंज करी, बॉडी डिफॉर्म हो गई. डिफॉर्म किस में हो गई? इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ. जब भी बॉडी कोई लेंथ में डिफॉर्म होती है मीन्स इसमें जो एक्सपेंशन आया दैट्स योर लीनियर एक्सपेंशन. तो लीनियर एक्सपेंशन अगर कभी आप चेंज इन लेंथ निकाल सकते हो, आप आराम से बेटा निकाल सकते हो. ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसको हैश टैग कीजिएगा दोनों को. ओके गुड. सो नेक्स्ट इज, इसको मैं रब करता हूं.